रक्त मानव शरीर के लिए आवश्यक है। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। स्वैच्छिक रक्तदान के विषय में जागरूकता जरूरी है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस बार WHO का थीम है व्हाट कैन यू डू, गिव ब्लड, गिव नाउ, गिव ऑफन। आज के दिन हम रक्तदाताओं का सम्मान करते हैं, उन्हें याद करते हैं और हम इस दिन के माध्यम से औरों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं कि वो भारी संख्या में आएं और रक्तदाता बने। एक इकाई रक्तदान करके एक रक्तदाता 3 जाने बचा लेता है, क्योंकि उस एक इकाई का 3 भाग बनाया जाता है, वो पैक्ड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है। किसी व्यक्ति को चोट लगने पर या फिर किसी अन्य कारण से शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो रक्त चढ़ाने की जरूरत होती है। वहीं थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों में व्यक्ति को जीवन भर नियमित रूप से रक्त चढ़ाना पड़ता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 से 65 साल की उम्र का हो, वो अपने पास के रक्तदान केंद्र में जाकर रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती है। जो हमारा युवा वर्ग है वो स्पेशली बहुत बड़ी संख्या में आगे आएं, रक्तदान करें, लोगों की जीवन बचाएं और वो फ्यूचर रेगुलर वॉलंटरी डोनर्स बने। आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। स्वैच्छिक रक्तदान करें, किसी को जीवन का उपहार दें। किरण भारद्वाज, DD News।